बिसम राय असल नाजीन कराम मैं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरोफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी नाजीन कराम एक जानब तो डॉक्टर शहबाज़ गिल को अदालत में पेश कर दिया गया और वहाँ पर उनका एक बयान भी सामने आ चुका है जिसने बहुत सी कन्फ्यूजन्स को दूर किया है लेकिन वहीं दूसरी जानब इमरान खान के पंजाब में इतहादी और पंजाब के वजीर अला चौधरी परवेज इलाही ने एक ऐसा बयान दिया है एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसके बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत हो सकती है और इस मामले पर जिसमें इदारों का तकदस और इदारों के अंदर बगावत पर उकसाने जैसा संगीन तरीन इल्जाम है और इसमें हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी भी रहनमा ने अभी तक शहबाज गिल की स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया उसे सपोर्ट नहीं किया और शहबाज गिल की अदालत पेशी के मौके पर भी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो वहां पर नजर नहीं आई अब ये मामला किस तरफ को जा रहे हैं जबकि सहाफियों पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और ए आर वाई रेडार पर है सोशल मीडिया के लोगों की भी बारी आनी है मेरे ज़राए के मुताबिक अर्शद शरीफ रात को अचानक पाकिस्तान छोड़ गए ये क्या कहानी है कौन कौन से साफियों को उठाया गया है और कौन कौन से साफियों को उठाया जाना है काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर सारी आपके सामने रखें और रिसालत तक अब मामला जा रहा है और तोहहीने रिसालत की दरखास्तें आना भी शुरू हो चुकी हैं मामला अब खराबी की तरफ बढ़ रहा है सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि रात को ए आर वाई के इस्लामाबाद के दफ्तर पर भी छापा मारा गया फिर जो एआरवाई के हेड ऑफ न्यूज है अमाद यूसुफ उन्हें उठा लिया गया उनके घर से कराची में और साथ ही साथ उनके घर में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनका रिकॉर्ड और उनकी जो मशीन होती है जिसमें सारा डाटा सेव होता है वो भी साथ उठा कर ले गए फिर कुछ घंटे तक वो लापता रहे फिर एक एफ सामने आई जिसमें सलमान इकबाल जो कि ए आर वाई के सी हैं उनका नाम भी था जिसमें अरशद शरीफ है खावर घुमन है काशिफ अबासी हैं इन सब के नाम थे और सुबह ये एक बड़ी कंसर्निंग न्यूज आई मुबशिर जैदी की तरफ से कि अरशद शरीफ खावर घुमन और काशिफ अबासी इस वक्त

बड़े वसूक से कह सकता हूं बड़े दावे से कह सकता हूं कि बाकी बहुत से सहाफ़ी होंगे बहुत से सहफियों ने बहुत खुलकर बात की होगी लेकिन जितनी अरशद शरीफ ने खुलकर बात की है जिस तरह से रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ अरशद शरीफ खड़ा हुआ है पाकिस्तान में कोई दूसरा सहाफ़ी नहीं है और अब अरशद शरीफ साहब जारी बात है उनकी विक्टमाइजेशन भी उसी तरह की होनी थी और उन्हें बड़े अरसे से पकड़ने के हवाले से बातें हो रही थी और उन्हें खज्जल ख़ुआार भी किया जाना था तो अब इतलात यह है कि अर्शद शरीफ साहब जो हैं वो रात को इस्लामाबाद से पिशावर गए और पिशावर से वो दुबई चले गए आपको पता है कि साबिर शाकिर साहब जो हैं वो ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं और बहुत से लोग जो हैं उन्हें मुल्क से बाहर रहने का मशवरा भी दिया जा रहा है इन हालात के अंदर स्पेसिफ़िकली कि अगर जस्ट इन केस आप ये सोचें कि पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी जितने यूट्यूब पर डिजिटल मीडिया पर बोलने वाले लोग मौजूद हैं अगर उन सब को रात गए उठा लिया जाता है तो पीछे कौन बचेगा तो कुछ लोगों की फील्डिंग आप कह सकते हैं कि बाहर की होनी भी चाहिए अब इस सब के अंदर शहबाज़ गिल की अगर पेशी की बात की जाए उन्हें अदालत में पेश किया गया और पेशी के दौरान सहाफ़ियों की अदालत दाखिले पर पाबंदी का अब ये बड़ी यानलिस्ट एसोसिएशन ने जुडिशियल के के को को तो तो अदालत का नाम मिस यूज कर रही है शहबाज गिल वहां पर पेश हुए शहबाज गिल के हवाले से कल तलत हुसैन का मैंने एक दावा आपके सामने रखा ने यह बात कही और नून लीगी शहबाज गिल वादा माफ गवा गए हैं या वो कुछ कर रहे हैं उसमें मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि भाई वादा माफ़ गंवा नहीं होता और तफ्तीशी जो है वो बयान को अपने हिसाब से लिखता है ये बयान अगर कोई शहबाज गिल के नाम से मनसूब तफ्तीशी कर भी दे अदालत में पेश भी हो जाए तो ये एडमिसबल नहीं है ये काबिल अदखाल नहीं है पाकिस्तान के कानून शहादत के मुताबिक अब शहबाज गिल साहब जो हैं उनका मौकफ क्या था आज उन्होंने पेशी के दौरान जारी बात है यही कहा कि ये बयान उन्होंने फ़ौज के लिए नहीं ब्यूरोसी के लिए दिया और वो पाकिस्तान से मुहब्बत करते हैं पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके साथ मुहबत करते हैं तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आप जरा ये इनकी स्टेटमेंट भी सुनो एक वतन का बयान है एक अपनी फौज से प्यार करने की बिल्कुल भी नहीं

स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अफसरान ऐसे काम कर रहे थे उन्हें कहा था तो आप इसे वजाहत कह सकते हैं और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब ये पूरे के पूरे मामले में इमरान ख़ान को जो लाने की कोशिश थी वो तो नाकाम हुई दो दिन का जिसमानी रिमांड शहबाज़ गिल साहब का लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हमारे पास आई हैं उनके मुताबिक दे दिया गया है और अब शहबाज़ गिल पर बगावत के मुकदमे के मामले पर तहकीकती टीम एक पूरी तश्कील दे दी गई है और एस एस पी इन्वेस्टिगेशन इसकी तहकीकत करेंगे और इस टीम में एसपी सी टी डी डीएसपी और एस भी शामिल होंगे और गद्दारी समेत मैं आपको यह बता दूं कि दस मुकदमा संगीन नौत के दस मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं दो रोजा जिसमानी रिमांड है और राणा सना अभी भी अब बजिद हैं कि शहबाज गिल का बयान तयशुदा था ये प्लैंड था सबूत मिले तो इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा एक जानब यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानब आप देख लें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और करना भी नहीं का, चाहिए जस्टिफाई क्योंकि अगर इसे मैं अपना तज्जिया दूँ कि शहबाज गिल की स्टेटमेंट क्या थी तो मैं इसे कहूँगा एक लूज बॉल थी और इस तरह की लूज बॉल्स इतने क्राइसिस के टाइम पे इतने सेंसिटिव टाइम पर नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को डिस्टेंस करती हुई नजर आ रही है शहबाज गिल से नहीं शहबाज गिल की इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट से और यह एक ऐसी स्टेटमेंट है कि इसके अंदर दलील सिर्फ यह बचती है कि बाकियों ने भी तो किया था उन्हें भी पकड़ लें बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए मरियम नवाज ने यह बात अपनी जुबान से की नवाज शरीफ ने यही बात अपनी जुबान से की उनका तो मतलब भी यही था उन्होंने तो वजाहत देना भी गवारा नहीं किया लेकिन ऑब्वियसली टू रॉन्ग वो

zal ho पूरी कोशिश की जा रही है सियासी जमातों को भी एक दूसरे के खिलाफ हद से आगे नहीं जाना चाहिए हालिया वाकयात से मुल्क में जमूरीत कमज़ोर हुई और इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं अब ख़ान साहब ने एक टॉक भी करनी है उन्होंने खिताब भी करना है और उसमें ये इतलात हैं कि वो वाजे करेंगे कि वो पाक फौज को पाकिस्तान की सलामती का जामिन समझते थे समझते हैं और तदम मरग समझते रहेंगे वो इंपोर्टिड हुकूमत को साजिश की पैदावार समझते थे समझते हैं और समझते रहेंगे उनका मुतालबा पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन था उनका मुतालबा पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और ये मुतालबा रहेगा और शहबाज गिल की आड़ में शहबाज गिल की तरफ से दी गई एक लूज बॉल ये आप चलें उसे कह लें उसकी आड़ में इमरान खान को इदारों से लड़ाने की साजिश की गई जिसे इमरान खान नाकाम नहीं होने देंगे ये बात बड़ी वाजह अच्छा अब दूसरी जानब जुल्फी बुखारी जो है उन पर थाना सिटी अटक के अंदर तोहन रसालत के मुकदमात दर्ज होने शुरू हो चुके हैं पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ रही है विफाक बामकाबला इस वक्त पंजाब होने वाला है और इस सब के अंदर चौधरी परवेज़ लाई साहब ने जियो के एक शो के अंदर आकर कुछ गुफ्तू की जिसके ऊपर बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तरीके से बगावत है और कुछ मामला कल आप देख लें कि इस मामले में सबसे पहले मोना सिलाई ने स्टेटमेंट दी पीटीआई के अपने वजीर दाखिला पंजाब है कर्नल साहब उन्होंने बाद में दी मोना सिलाई ने हम पंजाब पुलिस भेज रहे हैं और यह सारी वो चीजें हैं लेकिन ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर कोई भी उसकी जस्टिस फिकेशन के लिए नहीं आ रहा और चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई को मशवरा दिया है कि आप शहबाज गिल की स्टेटमेंट से खुद को डिस्टेंस कर ले जरा उनकी ये स्टेटमेंट सुन भी लें आप जी गदलियाला साहब आपसे पूछना चाहेंगे हम शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की थी इस पे उनके गिरफ्तारी भी हुई आपको आपको आप आप इतने सीनियर سیاستدان हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहनुमाओं को इस बयान से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए इससे इससे फासला اختیار करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए मैं इसके खिलाफ मैंने उसके खिलाफ बयान दी है मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले और इसका नुकसान हुआ है इसका फायदा नहीं है ये हमारे अदारे हैं ऑनरेबल अदारे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट है जिसमें हाई कोर्ट हैं अदालतें हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दिए वक्ल है, है तुम्हारे में जी तो इन्होंने भरपूर अल्फा में मजम्मत की इससे पहले ए आर वाई जो है वो ना सिर्फ इजहार ला तल्ल बल्कि काशिफ वासी साहब ने अपने शो के अंदर ए आर वाई और सलमान इकबाल के बिहाफ पर यह कहा कि हम इस बयान की मजम्मत भी करते हैं वी आर अगेंस्ट इट तो अब ये चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक भी खुद को आ, आ, डिस्टेंस करती हुई थोड़ा सी कन्नी कतराती हुई नज़र आ रही है और सीनियर लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी और यह इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह नगवान पाकिस्तान जिंदाबाद